आप देख सकते हो हमारे मंटू रावत जी, राम सिंह बुंदेला जी। क्षेत्र की सभी माता और बहनें एकत्रित हुए हैं, आप देख सकते हो। तो सभी गुरु महाराज की दोनों साइड खड़े हुए हैं हमारे माता। फाइनली हमारा कलश यात्रा समापन हो चुका है और वीडियो में यही समाप्त करते हैं और हमारे गुरुदेव जी अपने सिंहासन पर बैठ चुके हैं। अभी धर्म प्रेमी बंधुओं को राधे राधे। और मैं सुरेश कुमार, आप देख रहे हैं सुरेश के ब्लॉग फेसबुक पेज। इस फेसबुक पेज के माध्यम से आप लोगों को पल पल की जानकारी मिल रहा है और मिलता रहेगा। तो मैं अभी इस समय हूँ इच्छापूर्ण महादेव मंदिर शांति धाम। और दोस्तों, विगत 17 वर्षों से यहाँ पर संगीतमय भागवत कथा का आयोजन किया जाता है। आप लोगों को, सभी क्षेत्रवासियों को पता है। तो इस साल भी 2023 में मकर संक्रांति की पावन पर्व पर संगीतमय भागवत कथा का आयोजन किया गया है समस्त क्षेत्रवासियों की मदद से। और सिंधवाहा में शांतिधाम महादेव मंदिर पर जो संगीतमय भागवत कथा शुरू होता है और संगीतमय भागवत कथा का जो वाचक है, वृंदावन से पधारते हैं श्री श्री महेश दास जी महाराज जी और हमारे छोटे गुरु जी सुरेंद्र महाराज जी। तो अभी इसी वीडियो में आप लोगों को हम बताएंगे, हमारे गुरु महाराज खुद बताएंगे अभी कलश यात्रा में कितना देरी है और कितने देर बाद शुरू होने जा रहा है। थोड़ी ही देर में शायद हमें पता है कि थोड़ी देर बाद शुरू होने वाला है। तो थोड़े महाराज जी से बात करेंगे कितने देर बाद कलश यात्रा शुरू होने वाले हैं। तो गुरु जी आप बताइए और कितना टाइम लगने वाला है कलश यात्रा में। बोले बाके बिहारी लाल की जय। बस कुछ ही क्षण हैं श्रीमद् भागवत कथा के कलश यात्रा को प्रारंभ होने में। सभी संगत आ चुकी है, माताएं बहनें भी आ चुकी हैं। बस 10 मिनट बाद हम प्रारंभ करेंगे यहाँ से और घूमते हुए इच्छापूर्ण महादेव की चारों तरफ से परिक्रमा करते हुए बड़े प्रेम से सब लोग मिल करके जाएंगे कलश यात्रा करते हुए और यहाँ स्थान पर फिर वापस आ करके श्रीमद् भागवत को स्थापन करेंगे और आज की कथा इसके बाद प्रारंभ होगी। तो कुछ ही क्षण हैं कथा को प्रारंभ होने में। सभी लोग एकत्रित होकर के आ जाएं और जो भी इसके माध्यम से देख रहे हैं या सुन रहे हैं जल्दी से आ जाएं इकट्ठे। तो दोस्तों, जैसे कि देख रहे हैं भाई, सभी ग्रामवासी पधार चुके हैं शांति धाम पर और हमारे माता और बहनें उस साइड देख सकते हैं अभी भजन कीर्तन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो भाई बने रहिए आप हमारे ब्लॉग के साथ, जरूर आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेगा शांतिपूर्ण महादेव जी की मंदिर पर जो भागवत कथा का आयोजन किया जाता है, किस प्रकार से यहाँ पर आयोजन होता है, कलश यात्रा कहाँ से कहाँ तक कलश यात्रा पहुँचता है, आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेगा। तो बोलिए जय श्री राधे। बंधुओं आप देखिए अभी एक एक करके माताओं को कलश दिया जा रहा है और देखते रहिए, पल पल की जानकारी आपको मिलता रहेगा, कुछ ही क्षण बाकी है। मंदिर प्रांगण में हमारे गुरुजी जजमानों द्वारा कुछ पूजा अर्चना यहाँ पर करते हुए। तो दोस्तों, यहाँ से मंदिर का पूजन अभी समापन हो चुका है और अभी चलते हैं कलश यात्रा के लिए। सभी माता बहनें निकल पड़े यहाँ से, आप देख सकते हैं मंदिर प्रांगण से ये माता और बहनें कलश लेकर सभी निकल चले और मैं आपको दिखाता हूँ कलश यात्रा आपको इसी वीडियो के अंदर। तो बने देखिए भागवत जी यहाँ से कलश यात्रा के लिए भागवत लेकर निकला जाएगा यहाँ से सभी। भागवत ग्रंथों का पूजन हो रहा है। नमः। भागवत भगवान की जय।
जी महाराज का पूजन। अभी दोस्तों आप देखने वाले हैं गुरुजी महाराज की पूजन के लिए जजमान सोहाने जी आज पधार चुके हैं यहाँ पर। प्रणाम करिए गुरुजी से, कहिए कि गुरुजी अब इस कलश यात्रा के लिए आप पधारें चलें। सभी ब्राह्मणों का तिलक करें, थोड़े थोड़े माथे पर रोजी लगा दो सबके। पद अधिकारी पधार चुके हैं शांतिधाम महादेव जी की मंदिर पर, मंटू रावत जी और संजय कुमार नाइक जी और राजा केपी बुंदेला। तो चलते हैं कलश यात्रा के लिए, हम लोग तैयार है। सभी क्षेत्रवासी आगे निकल चुके हैं कलश लेकर, माताएं और बहनें, और हम लोग आगे चलते हैं, दिखाते हैं। अभी जजमान तैयार हो चुका है, देख सकते हो दोस्तों सोहाने जी श्री मद भागवत पुराण लेने के लिए और कलश यात्रा के लिए हम लोग निकलने वाले हैं। कि सर पर श्रीमद भागवत पुराण बैठालते हुए नजर आ रहे, तो सभी धर्मप्रेमी बंधु राधे राधे बोलिए। वृंदावन से पधारे हुए हमारे श्री श्री महेश दास जी महाराज द्वारा श्रीमद भागवत कथा का आनंद लेने के लिए शांतिधाम मंदिर पर पधारे के लिए निकल पड़े। और दोस्तों जरूर वीडियो को शेयर कीजिएगा। हमारे बुंदेला जी कलश रखते हुए बोल जय जय कलश यात्रा के लिए निकल पड़े। दोस्तों देख सकते हो शांतिधाम महादेव जी की मंदिर से हम लोग निकल पड़े और सभी क्षेत्रवासी चलते हुए नजर आ रहा है। वृंदावन से पधारे महेश दास जी महाराज जी द्वारा यहाँ पर भागवत कथा होता है। यहाँ पर देख सकते हो माताएं और बहनें कलश लेकर झंडा लेकर तैयार है कलश यात्रा के लिए, और श्रीमद् भागवत पुराण हमारे जजमान सोहाने जी की सर पर आप देख पा रहे हैं, और गुरु महाराज चलते हुए नजर आ रहा है। सभी लोग हम लोग चलते हैं और अभी गुरु महाराज जी बग्घी पे बैठेंगे। छोटे खड़े में बना, खड़े में बना तो मैं चलूं। मंटू मंटू देख पा रहे भाई, श्रीमद् भागवत पुराण हमारे सोहाने जी सर पे लेकर कलश यात्रा के लिए निकल पड़े। सिंधवाहा के सभी क्षेत्रवासी और जरिया पिपरिया गलोथरा सिंगापुर बेरवरा ये सभी क्षेत्रवासी यहाँ पर मौजूद है। आप देख सकते हमारे पीछे वृंदावन से पधारे हुए हैं हमारे श्री श्री महेश दास जी महाराज जी हमारे रथ में बैठे हुए आप देख सकते हो। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें जरूर, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। हमारे राजा साहब देवेंद्र कुमार रावत जी आप लोग देखते हो हमारे वीडियो में। तो दोस्तों
भाई ये देखिए कलश यात्रा में कितने लोग शामिल हुए, आप देख सकते हो। ब्लॉग को जरूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, हमारे पेज को फॉलो करें। अगर यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। भागवत कथा का जो कलश यात्रा है आप देख सकते हो, मंदिर प्रांगण से निकलकर भाई क्षेत्रवासी सभी महाराज जी हमारे रथ पे बैठे हुए आप देख सकते हो सामने। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ दोस्तों, दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ सुरज के ब्लॉग चैनल के माध्यम से आप अभी इस समय देख पा रहे हैं भाई कलश यात्रा श्रीमद् भागवत पुराण हमारे सेठ जी सुहाने जी की सर पर आप देख पा रहे हैं कलश यात्रा में शामिल हुए सभी क्षेत्रवासी। वहाँ से मंदिर प्रांगण से परिक्रमा लगाते हुए अभी हम लोग ये देखिए बांध की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। अभी देख सकते हो हमारे गुरु महाराज जी की जो रथ है वो दौड़ पड़े हैं और दौड़ के निकलते हुए। बिल्कुल बिल्कुल आप देख सकते हो सामने है साजनाम बांध और माता और बहने अपने अपने कलश लेकर निकल पड़े और हमारे गुरुदेव जी बग्गी में बैठे हुए आप देख सकते हो। हाँ ऐसे थोड़ा सा ब्रेक लगा। बोलिए राधे राधे, जय श्री राधे, भागवत प्राण की। आप देख सकते हो गुरु महाराज जी धीरे धीरे चलते हुए वृंदावन से पधारे श्री श्री महेशदास जी महाराज जी शांति धाम पर भागवत कथा करने के लिए आए हुए हैं और क्षेत्रवासियों को धर्मप्रेमी बंधुओं को धार्मिक और संगीतमय भागवत कथा का आनंद लेने के लिए महाराज जी वृंदावन से पधारे। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और इतने ज़्यादा शेयर करें दोस्तों जन जन तक पहुँचे। और मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ दोस्तों, सूरज के ब्लॉग चैनल को इतने आगे बढ़ाए दोस्तों कि सभी जन जन तक ऐसे वीडियो पहुँचता रहे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करके रखें क्योंकि ऐसे वीडियो हम अपने चैनल पर देते रहते हैं। तो दोस्तों ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो भगवान भोलेनाथ की द्वार पर पहुंच चुके हैं सभी लोग और गुरु महाराज जी भी पधर रहे हैं आप देख सकते हो और श्रीमद् भागवत पुराण हमारे सुहाना जी सर पे लिए हुए आप देख सकते हो। मंदिर प्रांगण में हम लोग पहुंच चुके हैं और मैं आपको भोलेनाथ जी के दर्शन कराता हूँ। काफ़ी क्षेत्रवासी यहाँ पर एकत्रित पहुँचेंगे। जय श्री राधे, जय श्री राधे, राधे राधे, राधे राधे।
अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, हमारे गुरु महाराज जी पूजा कर रहे हैं। को टीका जा रहा है। शंभो काशी विश्वनाथ गंगे कर भगवान की जय। अभी पूजा अर्चना समाप्त हो चुके हैं, तो हम लोग बाहर जाते हुए कलश लेकर सभी शांतिधाम प्रांगण में पहुंचेंगे। अन्य की जय। श्रीमद् भागवत कथा का आज कलश यात्रा है। ता और बहने इस साइड, दोनों साइड आप देख सकते हो, और भव्य कलश यात्रा में क्षेत्र की सभी माता और बहने और क्षेत्रवासी एकत्रित हुए हैं। वृंदावन से पधारे श्री श्री महेश दास जी महाराज जी, शंकर जी मंदिर प्रांगण में बैठे हुए आप देख सकते हो, और हमारे जजमान सोहाने जी, थोड़ा सा साइड हो। नमः शिवाय। दोस्तों देख सकते हो सभी क्षेत्रवासी मंदिर प्रांगण से धीरे धीरे निकालते हुए, तो गुरु महाराज जी बीच में बैठे हुए थे भगवान भोलेनाथ की शरण में, और हम सभी वहां पर राधे और शंकर जी भोलेनाथ जी का नारे लगाया। आप देख सकते हो माताएं और बहनें धीरे धीरे मंदिर प्रांगण से निकालते हुए, तो अभी यहां से हम लोग निकल कर शांति धाम पहुँचेंगे, और आपको दिखाते हैं दोस्तों और भी जो रहेगा बीच का, वो हम आपको दिखाने वाले हैं। तो बने रहिए दोस्तों, वीडियो को शेयर कीजिए। अभी गुरु महाराज भोलेनाथ जी की मंदिर से हम लोग निकल के शांति धाम पहुँचेंगे, जहाँ पर भागवत कथा का आयोजन किया गया है, और गुरु महाराज जी धीरे धीरे चलते हुए नजर आ रहे वृंदा। देख सकते हो कितने जन सैलाब शांति धाम प्रांगण में भागवत कथा का कलश यात्रा में सभी क्षेत्रवासी शामिल हुए हैं, और सामने देख पा रहे सजनाम डैम, तो चलते हैं। दोस्तों मैं दिखाना चाहूँगा आप लोगों को, आप देख सकते हो धीरे धीरे मंदिर की ओर बढ़ते हुए कलश यात्रा। अभी देखिए कितने लंबे लंबे झंडा लिए हुए भाई हमारे पटेरिया जी, राधे राधे, राधे। तो चलते हैं दोस्तों मंदिर प्रांगण में बढ़ते हुए नजर आ रहे, सामने देख सकते हो मंदिर इच्छापूर्ण महादेव जी की मंदिर, आप देख सकते हो मंदिर की ओर बढ़ते हुए अभी कलश यात्रा समापन की ओर बढ़ते हुए हमारे देख सकते हो मंदिर प्रांगण में सभी माताएं और बहनें जाते हुए, और यहाँ पर हमारे गुरु महाराज जी जो रथ पे बैठे हुए वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, मंदिर प्रांगण में बढ़ते हुए नजर आ रहे, आप देख सकते हो कलश यात्रा समापन की ओर जाते हुए। तो दोस्तों मैं अभी इस समय शांति धाम पहुँच चुके हैं, महादेव जी की मंदिर जहाँ पर कथा शुरू होना है, मैं आपको वो भी दिखा देना चाहता हूँ। सामने पंडाल जो देख पा रहे वहाँ पर गुरु महाराज जी को भागवत कथा का वाचन करना है, संगीतमय भागवत कथा। तो आप हमारे पीछे देख पा रहे इतने बड़े जन सराब जो कलश यात्रा में सभी शामिल हुए थे, अभी मंदिर प्रांगण में बढ़ते हुए, तो मैं बैक कैमरा करके आपको दिखाता हूँ। ये सभी माताएं और बहनें क्षेत्रवासी से आए हुए हैं शांति धाम प्रांगण में, और श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन अभी कुछ ही क्षण बाद शुरू होना है। कलश यात्रा में शामिल हुए माताएं और बहनें, अभी हमारे सुहाने जी देख सकते हो श्रीमद् भागवत पुराण अपने सर में लिए हुए जजमान बने हुए हैं, क्योंकि इनको कथा सुनना है और जजमान बने हैं। तो हमारे गुरु महाराज जी रथ से उतरते हुए नजर आ रहे, देख सकते हो कलश यात्रा समापन की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे, गुरु महाराज जी मंदिर की ओर बढ़ते हुए जहां पर भागवत कथा का आयोजन किया गया है। मैं आपको बारी बारी से दिखाता रहूंगा, दोस्तों हमारे चैनल पर बनी रहिएगा, भागवत कथा का आनंद आपको पल पल अपडेट आपको देता रहूंगा। सुरेश के ब्लॉग फेसबुक पेज पे और सुरेश के ब्लॉग यूट्यूब चैनल पर आपको मिलता रहेगा। अभी मंदिर की ओर बढ़ते हुए गुरु महाराज नजर आ रहे, सभी माताएं आप देख सकते हो स्टेज की ओर बढ़ते हुए कलश लेकर, और महाराज जी अभी यहाँ पर थोड़े से विश्राम करते हुए नजर आए, और बने रहिए वीडियो में दिखाते हैं। अभी आप लोग देख सकते हो सभी माताएं और बहनें कलश लेकर स्टेज की ओर बढ़ते हुए, और यहाँ पर स्टेज बने हुए आप नजर आ रहे हैं।
अभी मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ पर भागवत श्रीमद् भागवत जी बैठेंगे, वो मैं स्टेज आपको दिखाना चाहता हूँ। और हमारे गुरु महाराज जी महेशदास जी महाराज जी के लिए सिंहासन तैयार करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हो सारी माताएं और बहनें यहाँ पर मौजूद हैं, सभी अभी कलश यात्रा में शामिल हुए थे, देख सकते हो। यह जो संगीतमय भागवत कथा का आयोजन किया गया, आप देख सकते हो साजवाज एकत्रित करते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों, तो बहुत ही आनंद आने वाले हैं। वृंदावन से कलाकार पधारे हैं हमारे दाऊ भैया, बहुत ही आनंद देते हैं संगीत, उनका इतना मधुरमय संगीत है, आपको हमारे फेसबुक पेज और फेसबुक पेज के माध्यम से और यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको पल पल अपडेट मिलता रहेगा। तो दोस्त आ जाओ, अभी श्रीमद् भागवत पुराण अपने जगह पर बैठेंगे, कलश यात्रा से निकल कर हाथ लगाओ, आप देख सकते हो। और कलश यात्रा समापन होता है यहाँ पर हमारे चाचा सी, देख सकते हो दोस्तों, कलश यात्रा यही समापन की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। श्रीमद् भागवत पुराण अपनी जगह पर बैठ चुके हैं। अभी वृंदावन से आए हुए श्री श्री महेशदास जी महाराज, उनका गद्दी और सिंहासन यहाँ पर तैयार हो चुका है, आप देख सकते हो। कलश यात्रा समापन को ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे, पूजन अभी समापन हो चुका है। जय। अभी माताएं और बहनें अपनी अपनी कलश लेकर ऊपर आ रहे हैं, आप देख सकते हो। और श्रीमद् भागवत पुराण बैठ चुके हैं, आपको अगले वीडियो मिलने वाले हैं। महाराज दास जी महाराज जी द्वारा जो कथा का वाचन होना है वो आपको अगले वीडियो में देखने को मिलेगा। दोस्तों बने रहिए जरूर। जय। अभी देखिए अपने अपने कलश और सभी अपने अपने जगह पर बिठाए जा रहे हैं। बड़े प्रेम से अपना अपना स्थान ग्रहण करें, यथा स्थान आप लोग बैठ जाएं। बड़े प्रेम से अभी स्टेज पर गुरु महाराज जी आते हुए श्री श्री महेशदास जी महाराज, देख सकते हो, मैं स्वागत वंदन करना चाहूंगा। वृंदावन से पधारे हुए महेशदास जी महाराज, अभी कुछ ही सालों बाद हमारे भागवत कथा का शुभारंभ होना है, और आप देख सकते हो कलश यात्रा समापन को ओर बढ़ते हुए, जैसे ही गुरु जी गद्दी पर बैठेंगे कलश यात्रा समापन होगा। तो दोस्तों जरूर हम आप लोगों से कहते हैं राधे राधे बोलिए, वीडियो को शेयर कीजिए। महाराज जी सिंहासन पर बैठते हुए नजर आ रहे, और तो दोस्तों गद्दी पे और श्रीमद् भागवत पुराण अपनी जगह पे बैठ चुके हैं, अपने भक्तगण बैठ चुके हैं, आप देख सकते हो। वीडियो का ही समाप्त करते हैं दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना, फेसबुक पे अगर वीडियो देख रहा है तो हमारे पेज को जरूर फॉलो कर लेना। दोस्तों ऐसी वीडियो आपको पल पल में मिलता रहेगा, और मैं आप लोगों को देता रहूंगा, पेज को जरूर फॉलो करके रखे और वीडियो को शेयर करते रहे। आप देख सकते हो गुरु महाराज जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो जरूर हम भागवत कथा का इस जो कलश यात्रा का वीडियो मैंने शूट किया, इस वीडियो को ही समाप्त करते हैं। हमारे साथ देवेंद्र कुमार रावत जी रहते हैं, तो वीडियो को ही समापन करते हैं। बोलिए राधे राधे। 10 मिनट का पूजन है।